नमस्कार, मैं हूं मनी ब्लू एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। हरिद्वार प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए हरिद्वार हर की पौड़ी पर गंगा आरती पर आज से लगाई गई रोक का दिखा व्यापक असर। बिन श्रद्धालुओं से सूने पड़े घाट। हर की पौड़ी क्षेत्र में गंगा आरती से पहले श्रद्धालुओं को पुलिस ने हर की पैड़ी जाने से रोका। पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग भी लगाए। गंगा सभा द्वारा की गई पूजा और आरती को घाट पर लाइव तथा गंगा सभा के यूट्यूब और फेसबुक अकाउंट पर भी लाइव दिखाया गया। ब्लू एक्सप्रेस न्यूज चैनल हरिद्वार से सनी वर्मा की रिपोर्ट। मिश्रा है और मैं आज ही यहां लखनऊ से आया हूं अपने सपरिवार। और आस्था का प्रतीक हरिद्वार में जो आरती है, पूरे संपूर्ण विश्व भारत ही ने विश्व के अंदर प्रसिद्ध आरती है, उन्हीं का दर्शन करने हैं तो यहाँ पर हम लोग आए थे। लेकिन आज आते ही लगभग ये 4-5 बजे से यहाँ अनाउंसमेंट होना शुरू हुआ कि कोरोना वायरस के प्रकोप से सब लोग एक साथ ना खड़े हों, बल्कि आपने देखा होगा यहाँ पर पहले बहुत अच्छी इंतजाम होती थी, हजारों लाखों की संख्या में दर्शक बैठे रहते थे और आरती का आनंद लेते थे। पर आज कहीं ना कहीं उस प्रकार की भीड़ है, लोगों की आस्था है, फिर भी मैं कहूँ कि अन्य अपेक्षाओं के आधार पर ठीक रहा और हम लोगों ने थोड़े से ही दर्शन मात्र कर पाए, ये खुशी है। पर संपूर्ण रूप से खुशी प्रकट नहीं हो पाई कि हम इतनी दूर से आए ये विश्वास के साथ में। पर आस्था का हम लोगों के साथ जो जुड़ाव है, ऐसे उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी ही हमारा देश हिंदुस्तान कोरोना वायरस के प्रकोप से बाहर आएगा और हम लोग फिर इस प्रकार की व्यवस्थित आरती का आनंद हम और हमारे सहित बहुत से श्रद्धालु भाई बहन ले पाएंगे। तरुण कुमार नंदी, कलकत्ता से। ठीक ही है तबीयत के लिए, लेकिन हम लोग इतना दूर से आया है, हमको भी देखना चाहिए। जिसके लिए आया वही नहीं देख पाया तो कैसा लगेगा, आप तो समझ रहे ना।